पानीपत को जाम से बचाने के उपाय के तहत उत्तर प्रदेश में आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए ड्रेन नंबर 2 के साथ साथ नए बाईपास योजना धक्का लगा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बाईपास के निर्माण के लिए 2500 पेड़ों को काटने की अनुमति ना देने की सिफारिश की है। पर्यावरण NOC ना मिलने से बाईपास की योजना को अब नहीं बनाया जा सकेगा। पानीपत को यूपी की ओर आने जाने वाले ट्रैफिक के दबाव से बचाने के लिए ड्रेन नंबर 2 के साथ साथ बनाए जा रहे नए बाईपास का निर्माण योजना के तहत ना होने के आसार बन गए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस नए बाईपास को बरसत रोड से कनेक्ट करने के लिए ड्रेन के साथ साथ खड़े 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी है। यानी NOC ना मिलने से यूपी को जोड़ने वाले इस बाईपास का निर्माण योजना के मुताबिक नहीं हो पाएगा। ये खुलासा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लगाई गई RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने किया। जांच अधिकारी जो चंडीगढ़ से आए थे, रविंदर सिंह टेक्निकल ऑफिसर, केंद्रीय वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने हमारे आरोपों को सही पाया और उन्होंने अपनी सिफारिश की है भारत सरकार को कि ये जो है पेड़ काटने गैर जरूरी है, इनको पेड़ों को काटने की कोई जरूरत नहीं है और सड़क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही ऑलरेडी 100 फुट चौड़ी सड़क बनी हुई है और यहाँ पर 2005 वृक्ष लगे हुए हैं जो संरक्षित वन क्षेत्र है। दरअसल सड़क निर्माण के नियमों में ये प्रावधान है कि अगर सड़क निर्माण में आगे कहीं वैकल्पिक सड़क है तो फिर पेड़ नहीं काटे जा सकते। इसी आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने पेड़ों की कटाई के लिए NOC जारी नहीं की। पहले से पानीपत का पर्यावरण इतना खराब हो चुका है, सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और दूसरी तरफ से लगे हुए पेड़ों को काटने की जारी थी अनावश्यक रूप से। ये इस RTI की और शिकायत की बदौलत से ये 2000 पेड़ कटने से बच गए। हालांकि पानीपत शहर को रोजाना लगने वाले जाम से बचाने के लिए किए गए उपायों के तहत ये भी एक उपाय था, पर NGT की तरह पर्यावरण मंत्रालय भी अब सख्ती बरत रहा है। ये भी सच है कि हम हिंदुस्तानी कानून का उल्लंघन करने के आदि हो गए हैं और इसे अपना अधिकार मानते हैं। ऐसी सूरत में सख्ती ही उपाय बचा है और अब यही हो रहा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।